सबके सामने पाखी ने थाम दिया विराट का हाथ और फिर ऐसा क्या कहा जिससे लग गया पूरे परिवार को झटका और सबसे बड़ा झटका लगा है भवानी को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में की, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी सबके सामने भवानी को तमाचा मारने वाली है। हालांकि ये तमाचा थप्पड़ नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से पाखी सबके सामने भवानी की इंसल्ट करेगी उसका साथ ना देकर, ये बिल्कुल तमाचे से भी कम नहीं होने वाला है। दोस्तों ये सीन देखने में आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि भवानी हमेशा पाखी का सपोर्ट करती हुई नजर आती है और जहां पाखी इस बार भवानी का सपोर्ट करने से पीछे हट गई है, तो अब भवानी पाखी के साथ क्या करेगी? क्या अब दोनों सास बहू दुश्मन बन जाएंगी? क्योंकि अब तक तो ये दोनों फेवरेट सास बहू थे। दोस्तों सीरियल के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह विनायक जो है सभी को लाने की जिद करने लगता है, लेकिन विराट है वो कहता है कि सभी आज अपने मम्मा के पास रहेगी, कल वो मेरे पास थी तो आज इसको मम्मा के पास रहने दो। लेकिन इस बात से विनायक है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह भवानी का इसी बात पर खून खौल जाता है और भवानी कहती है कि सभी इस घर में क्यों आएगी, पहले अपनी बीवी से तो पूछ ले क्या वो इस बात के लिए मंजूर है। तूने तो अपनी सारी राय सुना दी सबको, लेकिन हम सब इस बात के लिए बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, और मुझे तो ये भी नहीं लगता कि सभी जो है वो तेरी ही बेटी है। लेकिन इस बात पर विराट जो है भवानी की बोलती बंद करा देता है। वो कहता है कि सभी मेरी ही बेटी है, आप लोगों को मानना है या ना मानना हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि सभी मेरी बेटी है। इसी बात पर अश्विनी भी इस बार विराट का सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, जो भवानी पकड़ लेगी। जी हाँ, भवानी को आप देखेंगे अश्विनी को कहेगी कि तू क्यों इतना मुस्कुरा रही है सभी के आने के नाम से, जिसके बाद अश्विनी जो है वो कुछ नहीं कहती, लेकिन विराट कहता है वो क्यों ना मुस्कुराए, वो क्यों ना खुश हो, वो मेरी माँ है और वो मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी जो है उनकी पोती लगी तो इस बात से उनका खुश होना तो बनता ही है। लेकिन भवानी सबकी शक्ल देखने लग जाती है, लेकिन भवानी फिर से अपना अगला दाव चलने वाली है। भवानी विराट से कहेगी कि अपनी पाखी से तो पूछ ले, तभी विराट जो है सबके सामने ही पाखी से पूछता है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि मैंने सभी को गोद ले लिया है, ये मेरी पत्नी है, मैं जानता हूँ कि ये मेरा ही साथ देगी। पाखी भी सबके सामने विराट का हाथ थामती है और दिल पे पत्थर रख के कह देती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें तुम खुश हो उसमें मैं भी खुश हूँ, तुम्हारी खुशियाँ मेरी खुशियां हैं। ये सब सुनकर विराट भी गर्व से कहता है कि देखा ये मेरी पत्नी है और मेरी हर बात में साथ देगी। इस बात पर भवानी जो है सर पर हाथ रख लेती है और भवानी पाखी को चिल्लाने लगती है कि तू ऐसा कैसे कर सकती है। साथ ही भवानी पाखी से ये भी कहेगी तू फिर से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है, फिर से अपने रिश्ते को दांव पर लगा रही है। लेकिन इस बात पर आप देखेंगे पाखी शांत खड़ी रहती है। हालांकि पाखी भी नहीं चाहती कि सभी विराट के करीब जाए, क्योंकि पाखी बात अच्छे से जानती है कि अगर सही और सभी विराट के करीब आए तो उसका पत्ता साफ हो जाएगा। वेल पाखी को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी जल्दी से लाइक कर दें।